नमस्कार दोस्तों, अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये है कंडेंसर और इस कंडेंसर का जो सभी पाइप है ये पूरी तरह खराब हो चुका है, पूरी तरह गल चुका है और इसमें कई बार लीक भी हो चुका है, जिसके कारण से इसे चेंज करना है, पूरे कंडेंसर को चेंज करना है और इसका जो पुराना पाइप उतार कर इसमें नया पाइप लगा कर इसे नया कंडेंसर बनाना है। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा जिसमें इस सभी बातों को मैं बताऊंगा। दोस्तों, इसे चेंज करने के लिए हमें वैक्यूम करना होगा। कंडेंसर कैसे वैक्यूम करते हैं इसके बारे में मैं पहले से ही वीडियो बना रखा हूं, उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस सभी वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, इसका पाइप जो है पूरी तरह खराब हो चुका है और इसमें कई बार लीक भी हो चुका है, इसलिए इस सभी कंडेंसर को चेंज करना है। दोस्तों, इस कंडेंसर में एक और भी प्रॉब्लम था जो कि मैं उसके ऊपर एक पहले से वीडियो बना चुका हूं। यहां देख सकते हैं कि ये जो पाइप लाइन है ये कंडेंसर का वापसी है, ठीक है। ये हेडर है, जो वापसी लाइन जाता है उसका हेडर है नीचे का। तो इस हेडर के लेवल से अगर ये वापसी लाइन जो है ये ऊपर उठ जाए, यानी कि इस लेवल से अगर ऊपर उठाकर जाए, तो प्लांट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आपको दिखाता हूं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो पाइप लाइन जा रहा है रिसीवर में जा रहा है वापसी का, यानी कंडेंसर का वापसी का है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि इस लेवल से ये जो पाइप है ऊपर उठाकर, लगभग 1.5 फुट ऊपर उठाकर ये रिसीवर में गया है। तो इसके चलते प्लांट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि यहाँ ये जो वाल्व है, इस वाल्व को, क्योंकि ये वापसी का वाल्व है, ठीक है, इस वाल्व को बंद करके मैं कंडेंसर को वैक्यूम कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे बंद नहीं करूँगा क्योंकि इस पाइपलाइन को मुझे वैक्यूम करना है और ये जो प्रॉब्लम है इसे ठीक करना है, इसे पूरी लेवल में करना है। तो मैंने सारे इवेपोरेटर का जो गैस है खींच कर कंडेंसर में दे दिया है और कंडेंसर से जो लिक्विड है ये रिसीवर में आ चुका है और उसके बाद कंडेंसर को भी मैंने वैक्यूम कर लिया है। दोस्तों, कंडेंसर को कैसे वैक्यूम करते हैं ये वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट के जो वैक्यूम सेक्शन है उसमें कई वीडियो वैक्यूम से रिलेटेड मैं डाला हूँ, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। तो मैंने कंडेंसर को भी वैक्यूम कर लिया है, आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि कंडेंसर को मैंने पूरा वैक्यूम कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें बर्फ भी आ गया है, देख सकते हैं इसमें जो सफ़ेद कलर है ये बर्फ है, यहाँ देख सकते हैं। तो ये वैक्यूम हो चुका है, थोड़ा बहुत है, ये भी मैं थोड़ी देर में इसको खींच लूँगा। तो ये पूरी तरह वैक्यूम हो गया है, तो मैंने पूरे कंडेंसर को वैक्यूम किया है दोस्तों। अब दोस्तों, कंडेंसर को वैक्यूम कर लिया है, अब इसको कैसे कटिंग करके उतारेंगे ये भी आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, आगे का जो प्रोसेस है मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।